इस वीडियो में हम इंडीज मिल्क एनालाइजर का परिचय देखेंगे। इंडीज मिल्क एनालाइजर अल्ट्रासोनिक साउंड वेव के सिद्धांत पे काम करता है। इसका उपयोग दूध में रहे फैट परसेंटेज, उसके SNF परसेंटेज, उसमें मिलाया गया पानी और उसके घनत्व यानी कि डेंसिटी जानने के लिए होता है। इंडीज मिल्क एनालाइजर से आप 1.5% से लेकर 12% तक के फैट का यानी कि 1.5 से 12% तक के फैट का दूध एनालाइज कर सकते हैं। बॉडी के हिसाब से इसके दो प्रकार होते हैं, एक है स्टेनलेस स्टील बॉडी और दूसरा प्लास्टिक बॉडी। इसी तरह पावर सप्लाई के हिसाब से इसे दो प्रकार में विभाजित किया गया है, AC एनालाइजर जो प्लास्टिक और स्टील दोनों बॉडी में उपलब्ध है जिसमें SMPS कार्ड होता है, और दूसरा प्रकार है DC एनालाइजर जो भी प्लास्टिक और स्टील बॉडी में उपलब्ध है जिसमें बैटरी का प्रयोग किया जाता है यानी कि बिजली ना होने पर भी यह कार्यरत है। अब हम आगे मिल्क एनालाइजर के अलग अलग हिस्सों का परिचय देखेंगे। यहाँ आप एनालाइजर का फ्रंट पैनल देख सकते हैं। सबसे पहले आपको फ्रंट पैनल में LCD डिस्प्ले दिखेगा। दूसरा पार्ट है कीपैड। कीपैड में आपको 4 बटन दिए गए हैं। पहले बटन क्लीन से आप एनालाइजर की ऑटोमेटिक क्लीनिंग कर सकते हैं। दूसरे 2 बटन है अप और डाउन, जिससे आप ऑटोमेटिक क्लीनिंग के लिए 20 से 500 तक की साइकिल सेट कर पाएंगे। आखिरी बटन है ओके, जो क्लीनिंग साइकिल सेट करने के बाद क्लीनिंग शुरू करने और मिल्क एनालिसिस शुरू करने के लिए इस्तेमाल होगा। तीसरा पार्ट है पिपेट, जिसकी मदद से दूध एनालाइजर के अंदर जाएगा। चौथा है सैंपल बोतल स्टैंड, जो आपको दूध के एनालिसिस के वक्त सैंपल बोतल रखने के काम आएगा। अब आपको ऊपर की तरफ एक PVC पाइप देखने को मिलेगी और साथ में प्लग प्लंजिंग रबर भी लगा होगा। अब हम एनालाइजर का बैक पैनल देखेंगे। यहाँ नीचे की तरफ आपको RS232 कनेक्टर दिया गया है। इसको कंप्यूटर के साथ जोड़कर आप अपने एनालाइजर का डेटा चेक कर सकते हैं। उसके नीचे DC के लिए ऑन ऑफ पावर स्विच दी गई है। यदि आपका एनालाइजर DC पावर पर चलता है तो पावर यहां से चालू या बंद करें। उसके नीचे सबसे पहले मेन कोड, बीच में बैटरी का कनेक्टर और आखिर में DC फ्यूज रखा गया है। उसके ऊपर आपको लाल रंग का AC फ्यूज दिखेगा। उसके ऊपर AC पावर स्विच रहेगी। यदि आपका एनालाइजर AC पावर पर चलता है तो पावर को यहां से चालू या बंद करें। यह था मिल्क एनालाइजर का परिचय। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।